एवरीवन, दिस इज रिंशु। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक परफेक्शन एकेडमी कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। सो थैंक यू सो मच दीपक सर एंड ऑल द टीचर्स ऑफ परफेक्शन एकेडमी। एक्चुअली मेरे एक्सपीरियंस इज नथिंग, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है सेम वन एज माइंड, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपका रहा कि आपने कैसे स्टडीज करी था सेम वन एज माइंड, मैंने भी वैसे ही स्टडीज करी थी। जिस दिन सर ने एक्चुअली अनाउंस किया ना कि ऑल इंडिया टेस्ट वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो उस दिन आई वॉज वेरी हैप्पी, मीन्स आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि कम से कम मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू प्रूव माई सेल्फ। तो आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट डे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई फोकस्ड ऑन माई जनरल नॉलेज। आई थिंक दैट माई जनरल नॉलेज इज समथिंग वीक, क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ती हूँ ना वो चीज़ भूल जाती हूँ। तो सबसे अच्छा पॉइंट अगर मेरे को अपनी क्वालिटी कोई लगती है तो वो ये है कि मैं अपने वीक पॉइंट्स को एनालाइज करती हूँ और फिर उन पर काम करती हूँ। और मेरे हिसाब से, अगर मेरा एक्सपीरियंस ही मैं शेयर कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये क्वालिटी ना सब में होनी चाहिए। जो जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो ये क्वालिटी तो होनी चाहिए कि मीन्स जो भी आपके वीक पॉइंट है यू मस्ट एनालाइज दैट पॉइंट। आपको ये नहीं कि मीन्स आपने कितने सही करे आंसर्स, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, दैट डजेंट मैटर। द मैटर इज दैट कि आपके कितने आंसर्स गलत हुए और कितनों को आपने सीखा उससे। तो पहले तो मैंने जीके ही अपना करा और लास्ट डे तक मैंने साइंस को टच नहीं किया था। फिर साइंस को मैंने लास्ट डे ही किया। एक्चुअली मेरा मैथ्स थोड़ा सा, सब लोग बोलते हैं, मेरे को भी लगता है मैथ्स थोड़ा सा ठीक है मेरा, क्योंकि मेरा जो ट्वेल्थ में सब्जेक्ट था वो भी PCM था, तो मेरे को हमेशा मैथ्स अच्छी लगती है। तो मैं मैथ्स करती रहती हूँ। और मेरा अगर आप डेली शेड्यूल पूछो तो मेरे डेली शेड्यूल में मैथ्स तो होता ही होता है। मीन्स अगर मैंने दिन भर में मैथ्स नहीं पढ़ा तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैथ्स को मैं डेली रिवाइज ज़रूर करती हूँ। और मेरा सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि मैं अपने कंटेंट को ना लिमिटेड रखती हूँ। मीन्स जो भी कंटेंट होता है उसी चीज़ को मैं फर्दर रिवाइज करती हूँ, ना कि मैं कोई नया कंटेंट रेफर करती हूँ। तो मेरा जो भी कंटेंट था मैंने उसी चीज़ को रिवाइज किया था। और मीन्स जो, जैसा मैंने कहा कि मेरा साइंस लास्ट डे तक नहीं हुआ था, साइंस भी मेरा ठीक ठाक है बट उतना परफेक्ट नहीं है जितना मेरे को मेरा लगता है मैथ्स। तो साइंस मैंने लास्ट डे ही रिवाइज किया था। शाम को जो टेस्ट था अपना ऑल इंडिया टेस्ट, तो उसके मॉर्निंग में ही मैंने साइंस को रिवाइज किया था। जो भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल थे मैंने उसी से रिवाइज किया था। एंड देन जब 4:30-5 बजे तो आई वॉज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि हाँ मेरे को टेस्ट देना। एंड वेन आई फिनिश्ड माई एग्जाम, एग्जाम की स्ट्रैटेजी एक्चुअली ऐसी रही कि जब मैंने मैथ्स मीन्स जब मैंने पेपर खोला तो सबसे पहले उसमें मैथ्स था। बट आई थॉट कि मैथ्स थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो मैंने सबसे पहले अपना जीके को उठाया एंड जीके के बाद फिर मैंने साइंस को फिनिश किया था। इन सब में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, क्योंकि ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं ना, जो चीज़ अपन ने पढ़ी है केवल वो क्वेश्चन रीड करके अपन को उसका आंसर देना रहता है। अगर अपन से आंसर बनता है तो वेल एंड गुड, और नहीं बनता तो वी हैव टू लीव दैट। तो पहले मैंने जीके और साइंस को फिनिश किया, देन आई केम टू रीजनिंग। रीजनिंग को मैंने किया। रीजनिंग में कुछ टाइम लगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो हाँ नहीं बन रहे थे, बट ऑल ओके। देन आई केम टू मैथ्स। हाँ, मैथ्स का लेवल सब लोग ही बोल रहे थे कि हाई था, बट अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स लगाए होते तो उतना टफ नहीं था। हाँ, मेरे भी कई क्वेश्चंस बने थे, ऐसा नहीं है कि मैंने सारे ही ठीक किए। 80 मार्क्स कोई बहुत ही ज़्यादा नहीं है। तो लास्ट में मैंने मैथ्स को उठाया था, लास्ट में मैंने मैथ्स को फिनिश किया था। एंड देन आई फिनिश्ड माई एग्जाम। उसके बाद कुछ टाइम बाद सर का कॉल आया कि दैट रिंशु यू हैव स्कोर्ड सेकंड रैंक, एंड आई वाज वेरी हैप्पी, लिटरली वेरी हैप्पी कि दीपक सर ने मेरे को कॉल किया, दीपक सर से मेरी बात हुई। तो आई वाज वेरी हैप्पी, उन्होंने मेरे को कॉल करके बताया कि आपने सेकंड रैंक सिक्योर किया है। तो आई टोल्ड थैंक यू। और सबसे ज़्यादा थैंक यू तो मेरा परफेक्शन एकेडमी को ही है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ 2-4 महीनों से ही मैंने अपनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। एंड सबसे पहले मैं अगर स्टार्ट करी हूँ अपनी प्रिपरेशन तो परफेक्शन एकेडमी से। उससे पहले ना मैंने कोई ऑफलाइन कोचिंग ली है, ना कोई ऑनलाइन कोचिंग ली है। मैंने 2-3 महीने पहले सर ने मैथ्स फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट किया था परफेक्शन एकेडमी पे ही, मैंने सबसे पहले वो ही लिया था। तो जैसे कि मैंने कहा मेरे को मैथ्स अच्छी लगती है, तो मैंने सबसे पहले वही लिया था। वहीं से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। इसके बाद दूसरे कोर्सेज लॉन्च होते थे तो मैंने वो कोर्सेज ऑप्ट किए। देन बस वही कि मेरे को मैथ्स अच्छा लगता है तो मैं मैथ्स करती रहती हूँ। और सब लोग
टेलीग्राम पे भी मेरे को कई मैसेज आते हैं कि दीदी क्या पढ़ते हो आप, कहाँ से पढ़ते हो। एक्चुअली मैं कहीं से नहीं पढ़ती हूँ, जो केवल परफेक्शन एकेडमी पे अवेलेबल है केवल मैंने वही पढ़ा, इससे ज्यादा कहीं से नहीं पढ़ा, क्योंकि आज तक मैंने कोई ऑफलाइन ऑनलाइन कोई कोचिंग ही नहीं लिया, केवल यहीं से मैं पढ़ी हूँ और जितना पढ़ी हूँ यहीं का कंटेंट पढ़ी हूँ। हाँ, इसी को मैं बार बार रिवाइज करती रहती हूँ। यहाँ एक मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम रहता था कि जब मैंने यहाँ आई थी परफेक्शन एकेडमी पे, तो यहाँ पे सारा कंटेंट ना हिंदी में अवेलेबल रहता था और मैं इंग्लिश मीडियम की हूँ एक्चुअली, तो मेरे को स्टार्टिंग में थोड़ा ठीक नहीं लगा कि हाँ मीन्स कैसे ऑर्गेनाइज कर पाऊंगी मैं सारी चीज़ों को, कैसे मैनेज करूंगी। देन आई स्टक हियर, है ना, मीन्स मैंने कहा ना कि पेशेंस, पेशेंस इज समथिंग जिससे आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आई कीप द पेशेंस। तो फिर मैं कुछ महीनों तक यहाँ रही एंड देन फिर मेरे को हिंदी हिंदी हिंदी, और मेरी एक चीज़ और, जैसे मैंने जो चीज़ सुबह पढ़ी है मैं शाम को रिवाइज करती ही करती हूँ, या तो मैं सुबह पढ़ूंगी ही नहीं और पढ़ती हूँ तो उसको रिवाइज ज़रूर करके सोती हूँ। मीन्स एक शेड्यूल है कि हाँ आपको उस बेसिस पे स्टडी करनी है तो करनी है, क्योंकि रेगुलर होना स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सभी लोग कहते हैं, मैं क्या सभी लोग कहते हैं कि मीन्स रेगुलर होना इज मस्ट, अपने उसमें रेगुलर होना मस्ट होता है। इन ऑल अगर मैं अपने इस पूरे भाषण को समराइज करूँ तो मैं केवल इतना ही बोलूँगी कि अगर हम जो चीज़ सोच सकते हैं, जहाँ तक हमारी पहुँच है, जहाँ तक हमारी मेंटालिटी जाती है, वहाँ तक मीन्स उस चीज़ को हम अचीव भी कर सकते हैं, तो केवल हमको इतना करना है कि थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा हार्डवर्क करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है, इन सारी चीज़ों से ही हमें सक्सेस मिलेगा। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे को भी अभी कोई सक्सेस मिली नहीं है, तो हम लोग वही है कि ट्राई करते रहेंगे, जब तक अगर हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं होता है तो वी विल ट्राई द सेकेंड वन, और एक ना एक दिन ये जॉब ज़रूर लेके रहेंगे, विच इज़ वेरी मस्ट फॉर अस। हम स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ही इसीलिए कर रहे हैं कि हमें एक जॉब मिल जाए अच्छी सी, जो कि हम चाह रहे हैं। तो जो भी आप जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लीज़ फर्स्ट अटैम्प्ट में हार मत मानिए, मैं भी नहीं मानूंगी। हम लोग दूसरा अटैम्प्ट देंगे, तीसरा देंगे, लेकिन वन डे वी विल अचीव दैट। तो इन ऑल थैंक यू सो मच परफेक्शन एकेडमी, थैंक यू सो मच दीपक सर एंड ऑल द टीचर्स ऑफ परफेक्शन एकेडमी।